नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने मंगलवार को तहसील एसडीओ कार्यालय के कर्मचारियों की बैठक ली। ऑफिसर सभागार में आयोजित बैठक के प्रारंभ में उपखंड अधिकारी ने सभी कर्मचारियों से परिचय किया, साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से चल रही विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए सभी कर्मचारियों को उक्त योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाने के लिए उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा समय पर कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम सिंह ने सभी जन तक पहुंचाने के लिए सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन दिया। बैठक में नायब तहसीलदार सत्यनारायण राजपुरोहित, गिरदावर प्रभु सिंह, मिठू सिंह, राजेश कैलाश, पांचू सिंह रावत, पटवारी लोकेश मीणा, सोनू गजराज, राकेश जटिया, मनोज भाटी, सुनील कुमार, राजेंद्र कुमार तथा राधिका यादव आदि उपस्थित थे। पटवारी और आईएलआर को बुलाया, उनके साथ फॉर्मली एक इंट्रोडक्शन लिया गया और कहाँ कहाँ पे वो अभी पोस्टेड हैं इसके बारे में जानकारी ली गई और उनके पटवार हल्के या उनके इलाकों में कोई अगर दिक्कत है या उनको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी ली गई। वह तहसील में कितने म्यूटेशन पेंडिंग है, क्या और स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी ली गई।